आज हर व्यक्ति अपना योग्यता के अनुसार नौकरी करना चाहता है और जिन छात्रों को जिस क्षेत्र में रुचि होती है वह उसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, तो कोई IAS IPS बनकर देश की सेवा करना चाहता है, तो किसी का सपना होता है लोको पायलट बनकर रेलवे में जॉब करने का। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं लोको पायलट कैसे बने इससे संबंधित सभी जानकारी। भारतीय रेल मंत्रालय हर साल रेलवे के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकालती रहती है, जिनमें एक पद है लोको पायलट का। भारतीय रेल में ट्रेन चलाने के ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं, जिसका काम ट्रेन की संचालित करने का, लोगों से सुरक्षित डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का होता है। यह पद रेलवे विभाग में एक सरकारी पद होता है। आप जानते होंगे कि भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था में से एक है। आज लगभग जितने भी शहर हैं उन सभी को ट्रेन के नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। आज बहुत से छात्र रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। यदि आप भी लोको पायलट एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आइए इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। लोको पायलट कैसे बने, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या होते हैं, एग्जाम्स ऑफ लोको पायलट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितना मिलता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, पोस्ट ऑफ लोको पायलट। हे एवरीवन, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्लीज कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। पहले जानते हैं लोको पायलट कैसे बने। लोको पायलट भारतीय रेलवे का एक पद होता है। यह बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है, जिसमें नौकरी लगने पर लोको पायलट को ट्रेन चलाना होता है। ट्रेन में सवार यात्रियों को सुरक्षा और उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम लोको पायलट पर ही निर्भर करता है। यह रेलवे में ग्रुप वी की पोस्ट होती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी न्यूनतम 10th पास होनी चाहिए, साथ में ITI का डिप्लोमा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, पावर कंट्रोलर और क्रू कंट्रोलर। परीक्षा की बात करें तो ये ऑनलाइन मोड में होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होती है। एग्जाम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी आप किसी एक में दे सकते हैं। मार्किंग की बात करें तो हर एक सही जवाब पे 1 मार्क्स मिलेंगे और गलत जवाब पे 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। लोको पायलट के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से न्यूनतम 10th पास होना जरूरी है। इसके लिए 2 साल की ITI डिप्लोमा, NCVT या SCVT प्रमाणित होना आवश्यक है, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल इसके साथ किसी भी एक ट्रेड का होना चाहिए। अगर आपके पास इन ट्रेड की बैचलर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सभी सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट के बारे में। लोको पायलट भर्ती आवेदन के लिए आपको कैंडिडेट की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि OBC के लिए 3 साल और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अब जानते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। लोको पायलट बनने के लिए आँखों की सबसे अहम भूमिका होती है। आपकी आँखें बहुत स्वस्थ होनी चाहिए। अगर आपकी आँख में कोई दिक्कत होती है, अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं तो आप लोको पायलट के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं लोको पायलट एग्जाम्स के बारे में। सहायक लोको पायलट बनने के लिए परीक्षा 3 स्टेज में होती है, CBT Stage 1, CBT Stage 2 और CBAT, जिसमें से CBT Stage 1 की परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए कॉमन होता है। वही Stage 2 यानी कि CBT Stage 2 की परीक्षा सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के लिए होती है। 3rd CBAT होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एबिलिटी टेस्ट होता है। आइए जानते हैं फर्स्ट CBT टेस्ट में। इसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 60 मिनट के एग्जाम्स होते हैं। सेकेंड स्टेज CBT पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट मिलते हैं। और सेकेंड स्टेज CBT पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होते हैं, ओके 60 मिनट मिलते हैं। अब जानते हैं लोको पायलट बनने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। लोको पायलट बनने के लिए आपको 3 स्टेजेस की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो आइए आपको बताते हैं क्या स्टेजेस हैं। इसमें भर्ती के लिए आपको आवेदन करने के बाद पहला आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, यानी कि रिटन टेस्ट। इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, जो कि MC के पूछे जाएंगे। इसमें आपको टाइम 1 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। इसके अंदर आपको सॉल्व करना होगा। इसके साथ आपको प्रत्येक गलत जवाब पे 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। आपको बता दूँ कि लोको पायलट का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न ऐसे हैं, जैसे एरिथमेटिक का 20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 10, इसमें मार्क्स भी 10 होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25, जनरल साइंस से 30, टेक्निकल एबिलिटी से 30, कॉमन सेंस से 5,
टोटल 120 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सारे एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद इंटरव्यू होता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको दूसरी चरण देनी होती है, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा में छात्र किसी भी प्रश्न का उत्तर कितना जल्दी देता है, कितना सटीक दे सकता है, इसका परीक्षण किया जाता है। मतलब आपको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो सिर्फ आप अपने दिमाग के हल के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, अपने पर्सनैलिटी के बारे में, अपने माइंड के बारे में, और सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जानते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। दूसरी परीक्षा को पास करने के बाद आपकी यह अंतिम परीक्षा होती है, यानी कि थर्ड, जिसकी आपको मेडिकल टेस्ट होता है। आई टेस्ट की बात करूँ तो नियर विजन SN 0.6 टू 0.6 विदाउट ग्लास होनी चाहिए। डिस्टेंस विजन की बात करूँ तो 6x9 टू 6x12 विदाउट और विथ ग्लास होनी चाहिए। पावर ऑफ लेंसेज की बात करूँ तो 4D से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। हियरिंग टेस्ट होती है, आप कितना क्लियर सुन सकते हैं। चेस्ट की एक्सरे देखी जाती है। ECG टेस्ट होती है, डायबिटीज की टेस्ट होती है, ब्लड प्रेशर की चेकअप होती है, और ISIRA टेस्ट होती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी, आपको अभी तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब जानते हैं लोको पायलट की सैलरी क्या होती है। भारत में लोको पायलट की सैलरी बहुत अच्छी मानी जाती है। शुरुआत में लोको पायलट की पे स्केल 5200 से लेकर 20000 के बीच होता है तथा 1900 रुपये की ग्रेड पे होती है। पूरे वेतन को मिलाकर लोको पायलट की सैलरी 30000 रुपये महीने ऊपर हो जाती है, जबकि अनुभव के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती जाती है। और ये हर अलग अलग जोन पे डिपेंड करता है कि किस जोन में आपका पोस्टिंग है। इसके अलावा लोको पायलट को कुछ अन्य सुविधा भी प्रदान की जाती है। सीनियर लोको पायलट की वेतन 55000 रुपये से लेकर 60000 रुपये तक की होती है। अलग अलग रूट के हिसाब से इनकी सैलरी भी डिपेंड होगी, वो भी स्टेट पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं। एग्जाम पास होने के बाद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में रूल बुक भी दी जाती है, ताकि एक लोको पायलट को इससे जुड़ी सभी जानकारी का पता होना जरूरी है। अब जानते हैं लोको पायलट की तैयारी कैसे करें। यदि आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम बता दें कि इसकी तैयारी के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जनरल स्टडीज़ में साइंस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाना होगा, रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, करेंट अफेयर्स पर भी अधिक ध्यान दें। कुछ बुक्स की बात करूं तो कुछ बुक्स हमने रेफर किया है, जैसे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन बाय एडिहंत पब्लिकेशन। सेकेंड है लूसेंट जनरल नॉलेज। थर्ड है जनरल साइंस फॉर RRB जूनियर इंजीनियर NTPC LLP एंड ग्रुप डी एग्जाम बाय दिशा पब्लिकेशन। फोर्थ है लूसेंट जनरल साइंस। फिफ्थ है ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर्य अग्रवाल। ये कुछ बुक्स हैं जो अपने तरफ से आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आप कोई अन्य बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ये किसी तरह का स्पॉन्सर नहीं है। अब जान लेते हैं रेलवे के कुछ पद के बारे में, यानी कि पोस्ट के बारे में। रेलवे में 4 ग्रुप की पोस्ट होती है, ग्रुप ए से डी तक, और इसके अलावा स्पोर्ट्स के कोटे भी बहुत सारे होते हैं। ग्रुप ए में जो पद होती है, यानी कि जो पोस्ट होती है, अधिकारी वर्ग की होती है। इसमें जो भर्ती होती है UPSC CMAC जैसी परीक्षा के बाद चयन होता है। ग्रुप बी की जो होती है सीधे भर्ती नहीं होती है, यहाँ पर भी रेलवे के कर्मचारी की पदाधिकारी पद आते हैं। ग्रुप सी में इंजीनियरिंग पोस्ट, स्टेशन मास्टर, क्लर्क आदि का पोस्ट निकलती है, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी ग्रुप से निकलती है। ग्रुप डी सफाई कर्मी, हेल्पर, ट्रैकमैन आदि तक की भर्ती निकाली जाती है। अब जानते हैं लोको पायलट के कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। प्रोज तो बहुत सारे हैं, कॉन्स कुछ हैं एकाध। तो प्रोज की बात करें तो एक्सेलेंट जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, रिस्पेक्टेबल जॉब। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप बहुत ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसे गर्ड्स हैं, तो आप इस जॉब को ज़रूर करें। कॉन्स की बात करूँ तो लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग है, इसमें आपको बहुत सारे ट्रेवल करने होंगे, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्टेमिना एंड वर्क शिफ्ट्स। आपका जो स्टेमिना है बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टेमिना इसमें, और इसमें जो एनर्जी वेस्टिंग, साथ में आपका जो शिफ्ट चेंज होता है, कभी कभी नाइट ड्यूटी भी लगती है, डी ड्यूटी, ये शिफ्ट चेंज होती रहते हैं। सो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद जो ऑन फील्ड जो जॉब क्वारीज हैं, इसमें आपको घर से दूर रहना होगा, ये सब चीज़ें कॉन्स है। कॉन्स बहुत कम है, इसमें प्रोज बहुत ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें देख सकते हैं। लोको पायलट बनना उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है जिन्होंने भारतीय रेलवे में नौकरी के रूप में ITI या डिप्लोमा किया है, जिनमें बीमा मुफ्त, यात्रा मुफ्त और कई सारे अन्य फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। यह आपको न केवल संतुष्टि प्रदान करता है, बल्कि इसमें आपको बहुत गर्व भी महसूस करेंगे। भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने के कारण लाखों लोगों को समय पर संतुष्टि रूप से
अपने स्थान तक पहुंचाने में मदद मिलती है, जो किसी भी चीज़ के लिए अधिक है। भारतीय रेलवे में एक कैरियर मतलब सभी तरीके से सुरक्षित और संतुष्टि भविष्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना लोको पायलट कैसे बने, इससे संबंधित सारी चीज़ें। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई चीज़ कमी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप किसी अन्य टॉपिक के लिए भी हमें सजेशन दे सकते हैं, या फिर हमें कॉमेंट करके ही बता सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो या जनरल कॉम्पिटिशन कर रहे हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।